हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एनी और आज मैं आप लोग के साथ एक मेरेंटा प्लान के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर है। इसका लीव्स, ये एक इंडोर प्लान है और काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं बताने वाले हूँ कैसे इसका केयर रखें आप, सनलाइट कैसे दे और आपको इसको फर्टिलाइज़र कैसे दे, कैसे वाटरिंग करना है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेरेंटा प्लान है इसको कैलेथिया भी बोलते हैं और ऑर्नाटा भी बोलता है। ये फ्रेंड्स ओरिजिनली ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिकली नाम है कैलेथिया ऑर्नाटा। और इसका हाइट लगभग 2 फीट तक हो जाता है और ये फ्रेंड्स एयर प्योरीफाई का भी काम करते हैं। फ्रेंड्स ये जो कैलेथिया है ये काफी अलग अलग वेराइटीज का होता है, आप लोग को पता होगा, लेकिन सब वेराइटीज में एक दिन में कवर अप नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ कैलेथिया ओरेंटे के बारे में ही आज आप लोग को दिखा रही हूँ। सर फ्रेंड्स टेम्परेचर के बारे में बात करूँ तो 18 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहता है तो इस प्लेन जो है काफी अच्छी तरह से ग्रो करता है। और ये एक इंडोर प्लेन है इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, इसको थोड़ा ब्राइट एरिया में रखेगा ताकि जो सन का जो ब्राइटनेस है वो भी मिल जाए और अच्छी तरह से ग्रो हो। नहीं तो आप जब भी इसको बाहर में ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो इसका लीफ जो है वो ड्राई हो जाता है और ये सूख सकता है, तो इसलिए थोड़ा शेडी एरिया में रखिए ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो हो सके। अब फ्रेंड्स सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसको एकदम वेल ड्रिल सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 20% बर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं तो काफ़ी है। और अगर कोकोपीट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा भी आप दे देते हैं तो इस प्लेन के लिए एक अच्छी बात ही है, क्योंकि कोकोपीट जो मॉइस्ट है उसको रिटर्न करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी वाटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कैसे आपको इसको वाटरिंग करें। फ्रेंड्स विंटर में इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होता है, जब ऊपर का सरफेस सॉइल का सरफेस जब टोटली ड्राई हो जाता है तब उसमें आप पानी दे सकते हैं। और गर्मियों की बात करूँ तो ये काफ़ी मॉइस्ट लविंग प्लान है, तो इसमें इसको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, मतलब इसमें फुली ड्राई नहीं होना चाहिए, इसका जो मॉइस्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। और ऐसे भी फ्रेंड्स आप लोग को तो पता ही है इंडिया में काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है कभी कभी, तो इस प्लान के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो इस प्लान को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होता है, अगर आप 2-3 महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी बर्मी कंपोस्ट अगर देते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसके सॉइल में आप मिला के दे सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा जो भी फर्टिलाइज़र है ज़्यादा नहीं देती, फिर भी मेरे इतनी अच्छी तरह से ग्रो होता है क्योंकि अच्छा सनलाइट, अच्छा ब्राइट लाइट और नहीं तो आप अच्छा वाटरिंग अगर करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स सनलाइट के बारे में हो बात कर चुके हैं हम लोग, सॉइल के बारे में भी बात कर चुके हैं, टेम्परेचर कैसे टेम्परेचर में ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है वो भी बात कर चुके हैं, सॉइल के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए अब इसकी पोटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसका एक साल में एक बार पोटिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है इस प्लान के लिए, प्लान की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और जब भी आप इसको पोटिंग करेंगे तब जब सॉइल को अलग से डिवाइड करेंगे तब इसमें अगर बेबी प्लांट अलग से निकल रहा है तो उसको आप अलग से पोटिंग कीजिएगा, तभी काफ़ी इजी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास ऐसा प्लांट होता है लेकिन हम लोग इसको स्टेम को हम लोग काट के अलग करके हम लोग प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन इस प्लान में ऐसा नहीं होता है। इस प्लान में आप जब भी इसमें अलग से बेबी प्लांट निकलते हैं तब इसको आप रिपोर्टिंग के टाइम में आप सॉइल को अलग करके डिवाइड करके इसको अलग पॉट में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, नया कुछ करने के लिए चाह होता है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास पहले आए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।